दोस्तों ये मेरे पास है वीवो की एक्स सीरीज़ का लेटेस्ट मॉडल X100। और जिन लोगों को नहीं पता, वीवो अपनी एक्स सीरीज़ में बहुत तगड़े कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बनाता है, लेकिन आज मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ सैमसंग के S23 अल्ट्रा के साथ। तो चलिए देखते हैं कि 50 मेगापिक्सल और सोनी IMX920 सेंसर के साथ में ये फ़ोन सैमसंग के S23 अल्ट्रा का मुकाबला कर पाता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है 10x ऑप्टिकल और 100x डिजिटल जूम का सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर असली कमाल दिखाया वीवो X100 के 64 मेगापिक्सल वाले Zeiss टेलीफोटो लेंस ने। दोनों ही फ़ोन में फोटो कैप्चर करने के बाद जब मैंने इसको जूम किया तो आप देख सकते हैं कि X100 की फोटो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और काफ़ी शानदार आ रही थी। पर दोस्तों असली रियलिटी चेक हुआ वीडियो मोड में, जहां पर आपको S23 अल्ट्रा में मिलता है 10x ऑप्टिकल और 20x डिजिटल जूम का सपोर्ट, वहीं पर आपको वीवो X100 में मिलता है 3x ऑप्टिकल और 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट। और इस मामले में S23 अल्ट्रा ने X100 को अपने सामने टिक नहीं दिया। X100 में आप 4K वीडियो 60 फ्रेम पर शूट कर पाएंगे, जबकि S23 अल्ट्रा में 8K वीडियो भी शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको X100 मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि S23 अल्ट्रा में आपको मिलता है सिर्फ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा।